ओके, चलिए तो ये इस समय की कुछ ट्रेड्स। बाजार नए हाई पर है, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस अभी भी शायद इलेक्शन रिजल्ट को लेकर है। 23,100 की दहलीज पर और 23,000 के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ बाजार। यहाँ से आगे की दशा और दिशा क्या होगी, इस पर बातचीत करने के लिए प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। क्या मार्केट बेस्ट केस आउटकम पचा चुका है या अभी भी यहाँ से और चलने की गुंजाइश है प्योरली नियर टर्म में? गुड मॉर्निंग अनुज। सो आई थिंक यू आर राइट। जो पॉजिटिविटी थी आउटकम के एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन को लेके, वो सारी उम्मीदें आपको प्राइसेस में कैप्चर होती हुई दिख रही। नहीं तो निफ्टी इतना मूव, आपको इतना स्ट्रांग मूव जो है वो ना दिखता। अब हो ये रहा है कि इलेक्शन आउटकम पॉजिटिव आने के बाद क्या होगा, फंडामेंटली कोई चेंज आएगा तो मेरा उसके लिए सोचना ही है कि वो मेन चीज जो बजट है जिसमें आपको थोड़ा सा एक डिफाइनिंग डायरेक्शन मार्केट के लिए मिल सकता है। जो आउटकम के बाद होना है अनुज, वो लिक्विडिटी ड्रिवन रहेगा, क्योंकि काफी एफआईज जो बैठे थे बाहर कैश पे, उन्होंने सिर्फ फ्यूचर में पोजीशन लॉन्ग किए, लेकिन कैश में इतना कोई डिप्लॉयमेंट कुछ पिछले एक हफ्ते दो तो हफ्ते में कोई खास आया नहीं है। तो वो जो एक आउटकम की इवेंट की वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो जब लिक्विडिटी आएगी तो यस, कुछ आपको मूवमेंट जरूर दिखेगा। वो एक्सपेक्टेड है, और मार्केट शायद नए हाईस भी क्रॉस कर जाए, नए हाईस बना ले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक इसका फायदा उठाने के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वो आपके पास गुंजाइश है, क्योंकि जितने भी अच्छे स्टॉक्स या अच्छे सेक्टर्स हैं उसमें ऑलरेडी प्राइसिंग उस चीज को कैप्चर कर चुकी है। तो थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आपको ईटीएफ बेस्ड बाइंग आएगी, तो लिक्विडिटी ड्रिवन जैसे मैंने कहा फ्लो ड्रिवन चीजें रह सकती है, लेकिन फंडामेंटली कोई इतना कुछ अंडर वैल्यूड कुछ नहीं दिख रहा। रिजल्ट सीजन भी समाप्त होने की ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है, तो जो डाइजेस्ट हो रहा था उस लिहाज से भी डाइजेस्ट हो चुका। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। फार्मा में आज बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग है। ग्लेनमार्क फार्मा करीब 4% ऊपर, दिवीज लैब 2.25% ऊपर। मतलब ये तो सिर्फ आज का डे पैटर्न है, बट अभी आपकी फार्मा में चॉइस क्या है सर? मैं आई मीन इसमें अगर मैं कंबाइन कर दूँ हॉस्पिटल स्टॉक्स भी और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी, आपका पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा? आपके प्रेफर्ड स्क्रिप्ट कौन कौन से इस वक्त? तो नमस्कार वीरू। देखिए फार्मा, जो मैंने कहा रिजल्ट्स को लेके, और ये हम कई समय से बात करते आए हैं कि फार्मा में जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो सबसे ज्यादा स्टार्क है, यानी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। उस लिहाज से अगर आप पिछले एक हफ्ते के नंबर्स देखें, दो हफ्ते के, जो बड़ी कंपनीज के भी आए, डीवीज के नंबर्स देख लीजिए आप। नंबर्स तो औरों के भी अच्छे थे, लेकिन मुझे औरों पसंद नहीं है कोई फॉर अदर रीजंस, बट माय पॉइंट इज सिप्ला, सन फार्मा, डीवीज, सभी के नंबर्स जो है वो इतने इनकरेजिंग आए। और कल नैटको फार्मा के नंबर्स आए मार्केट के बाद, और वो देखिए आप, छोटी सी कंपनी है, 18,000 करोड़ मार्केट कैप की, लेकिन इस टाइप की इम्प्रूवमेंट जो दिखनी शुरू हुई है, और हमने इसको पहले भी डिस्कस किया। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इस स्टेज पे मैं कोई डायग्नोस्टिक स्टॉक पे नहीं फोकस करूंगा। कोर फार्मा कंपनीज में अगर आप देखें तो दो पिक्स हैं, थोड़े से छोटे हैं। एक ऑफकोर्स नैटको फार्मा, आई वुड कंटिन्यू, ये नंबर से मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया उसमें। और रेवलिमिट का जो इम्प्रूवमेंट आपको दिखना है ये अगले 3 साल तक दिखता आएगा, तो ये समझिए ट्राजेक्टरी कायम रह सकती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली एक छोटी कमी है ऑर्चर्ड फार्मा, नंबर्स थे बहुत, कोई इसमें इस टाइप का रुझान नहीं था कि आप सोचे कि अलग हो गया, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट इन्होंने पिछले सारे साल में दिखाया है, चारों क्वार्टर में, वो आगे चल के आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। तो एक ऑर्चर्ड फार्मा देख सकते हैं। और हॉस्पिटल स्टॉक्स में अगर आपको एलोकेशन करना ही है तो नंबर्स के बेसिस पे अगर देखें तो एक और कॉन्फिडेंस जो आया है वो नारायण रुद्रालय का है। ना एबिटा कोई खास इतना बड़ा नहीं इंप्रूवमेंट दिखाई दे, लेकिन स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस चाहिए, जहां पे झटके ना लगे, जहां पे कोई बार बार हर क्वार्टर कोई चीज नई चीज की उम्मीद ना हो, लेकिन बिजनेस कंटिन्यूड ग्रोथ की तरफ बढ़ता रहे। उस लिहाज से मुझे नारायण रुद्रालय भी जो है वहां भी मेरे को बहुत अच्छे नंबर्स लगे कंटिन्यूटी परस्पेक्टिव से। ओके, चलिए तो ये इस समय फार्मा पे पिक का। प्रकाश, ये आदित्य बिरला ग्रुप स्टॉक्स में क्या हुआ पिछले 3-4 महीनों में? मैसिव मोमेंटम अल्ट्राटेक से लेके आइडिया तक सभी में। आई थिंक इट इज क्लियर एलोकेट फोकस इन टर्म्स ऑफ की भी प्रॉफिटेबिलिटी करनी है। हम जहाँ ग्रो नहीं हो रहे उनको उस टाइप की चीजों में, जहां जहां मिसिंग चीजें थी, उन्होंने मिसिंग पीसेस थे उसको इन्होंने प्लग करने की कोशिश की। और एक्चुअली एज ए स्ट्रैटेजी देखें तो जैसे वोडाफोन को किस चीज की बुक थी, कैपिटल की थी, तो उन्होंने कैपिटल एलोकेट किया इतने सालों तक ना बोलते हुए।
अल्ट्राटेक में क्या था कि कैपेसिटी हो गई है, अब डिस्ट्रीब्यूशन को आपको ग्रो करना है, इतने सारे एक्विजिशंस कर लिए ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली, आपने कैपेसिटी बढ़ा ली, तो उन्होंने आप मानेंगे नहीं, अल्ट्राटेक के सडनली आप जाएंगे बाहर मार्केट में तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पे नए बोर्ड, नई एक ऊर्जा दिख रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि कॉम्पिटिशन अब बड़े प्लेयर्स से है, भारी प्लेयर्स से है, अदानी हैव पुट देयर हैट इन द रिंग, जिनको कहते हैं कि भाई अंबुजा एसीसी आर फॉर्मिडेबल प्लेस, तो उसको कम्पीट करना है तो आपको इतनी कैपेसिटी लेके आप ठंडे नहीं बैठ सकते। ग्रैजियम में उन्होंने अपना पेंट का लॉन्च जो करना था वो बहुत ही अच्छी तरह किया है। अब जो एबी कैपिटल में भी देखिए, अब एबी कैपिटल को भी बहुत अच्छी तरह उन्होंने तराशना शुरू कर दिया है, जो चीज उनके स्ट्रेंथ वाली है उस पर फोकस करना शुरू किया, ना कि हर चीज पे हाथ डालते रहे, और अब आज जो रिजल्ट आएंगे मुझे लगता है आपको यही चीज एबी एफआरएल में भी दिखेगी। एबी फैशन जब से इन्होंने पैंटालूंस का अधिग्रहण किया, वो कहीं ना कहीं एक एक जिसको कहते हैं ना, वहां पे एक हेजिटेशन सी छाई हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन से पहलू पे ग्रो करना है। अब जो पावर ब्रांड्स हैं इनके, इनको लेके इन्होंने जो काम शुरू किया इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एग्रेशन, जो ऑनलाइन डिजिटल सेल्स की तरफ फोकस, ये सब चीजें को देखो आप, तो एक एक कंपनी के ऊपर उन्होंने फोकस करना शुरू किया है, और मुझे समझ लग रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड एक ही चीज आई है कि टॉप मैनेजमेंट का अटेंशन जो है या फोकस जो है वो बहुत ही शार्प हो चुका है कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, कंपनीज को ग्रो करने के लिए, और डिजर्विंगली आई थिंक द मार्केट इज ऑल्सो रिकग्नाइजिंग दैट, तो वो आपको धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में झलकना भी शुरू होगा। प्रकाश सर, ये जो मेट की टिप्पणियां हैं, आई मीन एक अच्छा मानसून, औसत से ज्यादा का मानसून, और स्पेशली द सेकेंड पार्ट ऑफ आई थिंक मानसून वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप एफएमसीजी पे क्या टेक रखते हैं? आई मीन डिफेंसिस में ही दूसरे धड़े के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी अभी फार्मा बात हुई थी, लेकिन डाबर बहुत दिनों बाद एक्शन में आया है, मैरिको एक्शन में है, ये वो है जिन्होंने पिछली एफएमसीजी के मूव में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया, एफएमसीजी में आपका पिकिंग और इस बात? एब्सोल्युटली वीरू, आपने बहुत सही नर्व्स पकड़ी है, क्योंकि डाबर के जैसे नंबर्स आए थे, आप देखिए उस दिन के बाद सारे एफएमसीजी पैक में एक एक लहर दौड़नी शुरू हुई कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट ऑफ डिमांड स्लो डाउन, जो रूरल डिमांड को अगर कोई चीज रिवाइव कर सकती है वो एक टाइमली और अच्छा मॉनसून है, और जब खरीफ क्रॉप्स की हम जब बुआई की बात करते हैं जो आगे चल के अब आएगी, चाहे वो सोया बीन हो, राइस हो, ये सब चीजों में जो जो एग्री इंडस्ट्री को कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू, वो आपको बहुत अच्छी तरह से स्पेंडिंग में दिखना शुरू होगा। तो डाबर ने तो नंबर अच्छे दर्ज किए और एक इंडिकेशन दी कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन और डाबर ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द टॉपिक्स एट दिस पॉइंट, लेकिन आप आईटीसी देखिए, आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस है उसमें इन्होंने, इनका बहुत बढ़िया संतुलन है कि एग्री कमोडिटीज का उपयोग है लेकिन मार्केट सेगमेंट इनकी अर्बन ज्यादा है, उसको भी इन्होंने अच्छी तरह स्ट्रैडल किया। मुझे समझ ये लग रहा है कि नेस्ले को छोड़ के बाकी, नेस्ले और टू सम एक्सटेंट ब्रिटानिया, बाकी सारे ही जो एफएमसीजी वाले रूरल फेसिंग प्लेस हैं, चाहे वो डाबर हो गया, मैरिको हो गया, एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, इन सब में आपको एक बहुत बढ़िया वो दिखेगा। और मानसून को लेके ही है, मानसून का आउटकम आपको डिसाइसिवली पता ही चल जाएगा, इलेक्शन का आउटकम चाहे जैसा हो, और जैसे मैंने कहा बजट में अगर अगर कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा सा एक फोकस आ भी जाता है तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा इन सबके लिए, और ये एक्सपेक्टेशन जो है ये आपको तब्दील होगी स्टॉक प्राइजेस में इंप्रूवमेंट में। ओके, कोई एक आध स्टॉक आइडिया देके जाइए प्रकाश जी, थोड़ा सा आप हर बार देते हैं स्टॉक आइडिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस लेवल पर। सो अनुज, ये मैं तो अभी भी रिजल्ट्स देख के ही अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेसेस कौन से ग्रो हो सकते हैं आगे चल के, और मुझे ये समझ आया है कि सरकार की कंटिन्यूटी, पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रादर, एक अच्छा बजट, ये लेके अगर आप देखें, और रेलवे स्टॉक्स तो सबके चाहिए होते ही है, उसमें इरकॉन पे मेरी नजर बैठी थी, नंबर्स देख रहा था मैं, थोड़ा सा करेक्शन आया था इसमें, वापस ये करीब 220 के आसपास आया, उसके बाद पिछले एक महीने में इसने एक 20% की बढ़त भी हासिल कर ली है ये बॉटम बेस से। अब उसका रीजन ये है कि जो ऑर्डर बुक इन कंपनीज के पास है उसका कोई मुकाबला नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि कोई और इनसे ऑर्डर ले जाएगा, और इन्होंने एक चीज जो कायम करी है वो कॉस्ट कंट्रोल बहुत अच्छी तरह, काफी पीएसयूज में ये चीज दर्ज हुई है लेकिन इरकॉन में भी हुई, और अब ये अगर इंटरनेशनली भी काम करना शुरू कर देते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी अगर जाना शुरू कर देते हैं जो राइट्स ने करके दिखाया है, तो आप ये सोचिए कि मतलब ऑर्डर बुक बढ़ने कितनी आसान हो जाएगी, और अगर इस टाइप के मार्जिन मेंटेन करते रहे
ये 20% 25% सालाना ग्रो होंगे, आप उसको कंपाउंड करते हुए देखिए तो अगले 5 साल में ये स्टॉक्स कहाँ पहुंच जाएंगे। सो आई थिंक जिस टाइप की चीजों में थोड़ा सा ध्यान दें तो वो होगा। ऑफकोर्स इट्स अ वेल नोन स्टॉक, मतलब इरफान कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मुझे समझ आ रही है कि इस टाइप के बिजनेसेस में आपको कॉन्फिडेंटली ग्रोथ आ जाएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वॉलिटिलिटी। ऑलराइट प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन माय सब प्लेजर ट्रेडिंग भाई। आइडियाज़ के साथ और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के साथ। चलिए अब